दोस्तों आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, चुबुकोव और नताल्या, जो कि रिलेटेड है इंग्लिश के चैप्टर जो कि है द प्रपोजल। ठीक है, कैरेक्टर स्केच इनके याद कर लीजिएगा, मतलब मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में ये आएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखने कि जो लोमोव है उनका कैरेक्टर स्केच इसमें क्या दिया हुआ है, और दूसरी बात ये कि आपको जो है इन तीनों के जो फुल नेम है वो याद होने चाहिए। जैसे कि लोमोव का फुल नेम था इवान वैसलेविच लोमोव, चुबुकोव का फुल नेम था स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, और नताल्या का पूरा नाम क्या था, नताल्या स्टेपनोवना। इसका जो अदर नेम था वो नतासा भी था, जो कि बुक में लिया गया है। चलिए तो देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर स्केच लोमोव का क्या है। सबसे पहले ये हम लोग बात कर लेंगे कैरेक्टर स्केच होता क्या है। तो देखिए, कैरेक्टर स्केच मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल जो कि आपको बुक में दिया गया है। जैसे कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में बात होता है, तो अगर आपको बोला जाता है कि कैरेक्टर स्केच देना किसी एक व्यक्ति का, तो आप बताएंगे कि वो किस स्वभाव का था, उसका नेचर, उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लोमोव का कैरेक्टर स्केच ये था कि वो एक यंग अनमैरिड मैन था जो कि 35 साल का हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी थी, क्रिटिकल पे आ गया था वो, क्रिटिकल एज, और वो सोचा था कि काश वो जल्दी शादी कर ले। इसलिए उसने डिसाइड क्या किया कि उसके जो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था नताल्या, जो कि 25 साल की थी, उससे वो शादी करने के लिए उसके पास घर, उसके घर प्रपोज़ल लेकर जाएगा। लोमोव ने ये सोचा था कि जो नताल्या होगी वो बहुत ही अच्छी एक हाउस कीपर होगी, ठीक है, और उतनी भी बुरी दिखने वाली नहीं होगी। मतलब यहाँ पे गुड लुकिंग नहीं लिखा है, इसमें लिखा है डेट सी वाज नॉट बैड लुकिंग, मतलब कि हाँ सही दिखने में सही होगी। और उसके बाद इसने ये भी बोला कि किस तरह से वो जो लड़की है वो भी अनमैरिड है। और इसमें बताया गया है कि जो लोमोव था ये एक फ़नी कैरेक्टर है, ठीक है ना। मतलब लोमोव के बारे में और डिटेल में बताया गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत फ़नी थी। क्या किस तरह, तो वो जो है बहुत ही अजीब बिहेव करता था, उसको पैल्पिटेशन होता था, मतलब कि घबराहट होना किसी चीज़ को करके, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि वो कहता था कि रात में उसको लगता था कि कोई उसे खींच के उठा रहा है, और इस तरह वो 15-20 बार उठ जाता था। तो इस तरह से इसके बारे में बताया गया है कि कुछ थोड़ा मतलब वो फ़नी कैरेक्टर भी था। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि पैल्पिटेशन से वो सफ़र कर रहा था, मतलब नहीं होता है थोड़ा सॉरी जो दिल का धड़कन थोड़ा तेज़ हो जाता है, थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है। वो जो है इसमें बताया गया है कि इतना ईगर था उस नताल्या से शादी करने के लिए, क्योंकि वो एक तो ऐसे ऐचे पहुंच गया था जो कि थोड़ा ज़्यादा था, मतलब नहीं होता है कि उस वक्त उसको शादी नहीं हुई थी। दूसरा ये कि जिस तरह इसके पास जो प्रॉब्लम्स थे, वो सोचा था कि काश कहीं शादी करने के बाद हो सकता है कि इसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जाता है उनके घर, नताल्या को प्रपोज़ कर जाता है, तो वहाँ पर जो नताल्या और इनके बीच में कुछ बातें होती हैं, और इस तरह क्या होता है कि लड़ाई शुरू हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो नताल्या जो रहती है और ये जो लोमोव रहते हैं, ये लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो एक ऑक्सन मीडो मीन्स कह सकते हैं कि जगह है, ठीक है, उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाता है। फिर बाद में यही लड़ाई जाके उनके डॉग्स पर आ जाता है कि कैसे उनके पैट डॉग्स जिनका नाम था स्क्वीज़र और गैस, ठीक है, इन दोनों पर आ जाता है कि नहीं मेरा कुत्ता बेस्ट था, नहीं मेरा कुत्ता, ऐसे करके आ जाता है। फिर इसी तरह लास्ट में क्या होता है कि लोमोव जो है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और लास्ट के वक्त में तो वो थोड़ा जो नताल्या और उसके जो पिता रहते हैं उनको थोड़ा मतलब नहीं होता है कि एब्यूज़ कर देता है, अभी मतलब हल्का फुल्का गाली उनको दे देता है, थोड़ा ऐसे वर्ड यूज़ करता है। यहाँ पर हमने लोमोव का कैरेक्टर देख लिया, किस तरह से लोमोव है, वो शादी के लिए ईगर था, उसके एज को देख लिए, ठीक है, साथ में वो कैसे वहाँ पे प्रस्ताव लेके जाता है प्रपोजल का, फिर वहाँ पर उसे लड़ाई शुरू हो जाती है, इन सब हमने देख लिया। अब देखते हैं नताल्या के कैरेक्टर स्केच को। जो नताल्या थी वो भी शादीशुदा नहीं थी, उसका एज जो था वो 25 था। वो लोमोव के मतलब पड़ोस में रहती थी, सेम वही बात है, ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिखा गया है थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज। वो जो है बहुत एक एक्सीलेंट हाउस कीपर थी, ज़्यादा बैड लुकिंग भी नहीं थी। वो जो है उस समय उसको बोल सकते हैं थ्रिस्टी फॉर लव, मतलब चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे। उसके जो पिता उसको लव सिक कैट बुलाते थे, ठीक है। लोमोव जो है वो मतलब ऐसा सोचता था, उसने से कहा कि आप जो है ये वेल एजुकेटेड लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कैरेक्टर स्केच में बताया हुआ है कि लोमोव कहता है कि आप वेल एजुकेटेड हैं, ऐसा सोचता है वो, लेकिन वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं रहती है, उतना भी उसका जो दिमाग रहता है वो विकसित नहीं रहता है, वो थोड़ा लड़ाकूपन की रहती है, थोड़ा नहीं होता है भड़कीले नेचर की होती है। वो लोमोव के साथ बाद में लड़ाई शुरू कर देती है, कैसे ऐसा बताया हुआ है कि लोमोव आता है तो वो कहती है कि उसके लिए जो लैंड है जो कि ऑक्सन मीडो है वो उतना वैल्यू नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जो बात है इस बात पे वो अड़ी थी कि नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, और वो अपने आप को सही करने के लिए उनसे लड़ाई कर लेती है। ऐसे करते करते इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है।
लोमोव जो है घर छोड़ के बाहर चल जाता है उनको, ठीक है, वो भी बुरा भला करके। तब वो बाद में उनके पिता के बताते हैं नतालिया को कि वो तुम्हें प्रपोज करने आया, और जैसे ही ये बात जानती है तो वो एकदम से बोलती है कि नहीं, मतलब नहीं होता है कि चिल्लाने लग जाती है कि नहीं उसे वापस लाइए। उसको पता नहीं रहता है कि वो प्रपोज करने आया रहता है। वो लोग आके पहले आपस में बात करते हैं लोमोव और नतालिया। बाद में जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया था तो वापस उसको बुलाती है वो घर के अंदर, और इस तरह से वो लैंड के बात को छोड़ देती है। वो सोचती है कि चलो उस बात को हटाओ जिससे झगड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे करते करते इसी तरह जो है उनके पेट डॉग्स के ऊपर ये बात आ जाता है, और फिर वो दोनों ने क्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं मेरा डॉग अच्छा ब्रीड का था, नहीं मेरा डॉग अच्छा ब्रीड का था। इस तरह से वापस उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आते हैं चुबुकोव के करेक्टर्स स्केच को देखते हैं। चुबुकोव जो था वो उस लैंड का मालिक था, कौन सा, ऑक्सन मीडो, जिसके ऊपर लेके ये लोग लड़ाई कर लेते हैं। आप ये चैप्टर पूरा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे जो लोमोव रहता है ये बताता है कि वो लैंड उसका था पहले, उसके पूर्वज का था, लेकिन ये जो चुबुकोव का जो परिवार है उसने उसे, मतलब नहीं होता है कि उस पर खेती करते करते उसे अपना ही मान लिया, उस पर वर्क करते करते। तो ये चीज़ आपको चैप्टर में समझ में आ जाएगा। उससे पहले बता देते हैं कि उस समय जो चुबुकोव था उसका वो लैंड था, वो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नतालिया। वो हमेशा जो है, मतलब नहीं होगा कि ऐसा थोड़ा सोच का वो व्यक्ति था कि अगर वो, उसको क्या लगता था कि नहीं होता, थोड़ा कंजूस टाइप में वो, अगर कोई आता था उसे पैसे मांगने तो वो ऐसा बिहेव कहता है कि नहीं उसके पास पैसे नहीं थे करके, वो थोड़ा कंजूस नहीं होता है, पूरा वैसा नेचर रखता था अपना। वो दूसरे से बात करने में बहुत अच्छा बात करता था, जैसे कि लोमोव जब उसे घर आया तो उसको उसने बहुत ही अच्छे से उसको बैठाया, उसके साथ बातें की, उससे अच्छे व्यवहार में बोलता था, ठीक है। लोमोव जो था वो बहुत ही ग्रीडी मैन था, और लालच तो बहुत लालची था थोड़ा, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो किस मामले में लालची था कि उसे अपनी बेटी के लिए अच्छा कोई चाहिए रहता है, ठीक है ना। मतलब लालचपन था, लेकिन सबसे ज़्यादा लालची वो किस चीज़ में था कि उसको अपनी बेटी के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए रहता है। चुबुकोव जो है, ठीक है, इसके बारे में देख लिए, और ये जो है अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, मीन्स एक लविंग फादर रहता है, इसमें हम लोग ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कैरेक्टर स्केच इन तीनों के। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मेन है, जो कि ये है कि ये जो हमने देखा चैप्टर, ठीक है, द प्रपोजल, ये एक वन एक्ट प्ले का उदाहरण है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो है बेस्ड है वन एक्ट प्ले पे। तो ये वन एक्ट प्ले होता क्या है? तो वन एक्ट प्ले मतलब हम लोग कहते हैं जिसके अंदर बहुत ही कम सीन होते हैं, ऐसे 1-2 सीन्स हुए हैं, ज़्यादा सीन नहीं, या फिर 3 तक या ऐसे सीन्स हुए हैं, नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा भी किसी किसी में सीन होता है, तो इसमें उतने ज़्यादा सीन भी नहीं होते हैं। दूसरा कि इसमें ये बहुत कम शॉर्ट लेंथ वाला होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, इसमें जो भी नाटक होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, जैसे हमने देखा 3 कैरेक्टर्स थे उसमें, और इसमें जो है मतलब एक मेन प्लॉट होता है, ज़्यादा सब प्लॉट नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे कि किसी घर में हुआ तो किसके, चुबुकोव के घर में ये हुआ तो एक वो प्लॉट हो गया, ऐसा नहीं कि उसमें भी सब प्लॉट्स हो जाना इधर उधर, मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा सब प्लॉट्स में डिवाइड नहीं हुआ, किसी एक ही जगह पे मेन जगह पे हो गया। तो यही होता है वन एक्ट प्ले। एज द नेम सजेस्ट, अ वन एक्ट प्ले हैज़ ओनली वन एक्ट, सिर्फ एक एक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब कि एक ही एक्ट में सारा पूरा कर देना, या फिर एक, या फिर शायद जाके दो एक्ट्स में, जैसे एक्ट वन एंड एक्ट टू में। तो ये हो गया। इट मे हैव वन और मोर देन वन सीन्स, एक या उससे थोड़े ज़्यादा सीन हो सकते हैं। अ वन एक्ट प्ले इज जनरली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड इट हैज़ लेस नंबर ऑफ करेक्टर्स, इट हैज़ ओनली वन मेन प्लॉट विदाउट एनी सब प्लॉट्स, ठीक है। तो ये होता है वन एक्ट प्ले, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। अब देखिए, व्हाट इज़ ए फार्स, फार्स क्या होता है? अब फार्स इज ए कॉमिक ड्रामेटिक वर्क यूजिंग क्रूड करेक्टर्स एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन। फार्स कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉमिक जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस टाइप का वर्क है, कॉमिक या ड्रामेटिक वर्क है, जिसके अंदर बहुत ही सरल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कैरेक्टर्स को एकदम डीपली नहीं बताया जाता है, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया जाता है कैरेक्टर्स के बारे में, और फिर मतलब इजी होता है, बहुत सिंपल कैरेक्टर्स हो गए, और इम्प्रोबेबल सिचुएशंस मीन्स ऐसे सिचुएशंस जो कि घटित नहीं हो सकते, मीन्स एक तरह से लगभग नामुमकिन होते हैं कि ऐसा कभी होगा, ऐसा सिचुएशन कभी होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं फार्स। तो ये थे दो क्वेश्चंस और कुछ यहाँ पर कैरेक्टर स्केच। दोस्तों, आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इसका जो PDF है ये इसका लिंक नीचे दे दूँगा, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, और ये जो है इंग्लिश में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं ये मतलब कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, करेक्टर स्केच आपको नेट पे भी मिल सकता है,
इसे भी मैंने नेट पे से ही देखा था कैरेक्टर स्केच को, आप वहीं से जाके देख सकते हैं, नेट पे भी है। लेकिन ये जो नीचे के दो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है आपको नेट पे मिलेंगे लेकिन उतना इजी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा और परफेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।